एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा 5th डे है, 5वां दिन है हमारा। 21 डेज का मेकअप चैलेंज चला हुआ है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपनी जर्नी की तरफ, मेकअप आर्टिस्ट बनने की जर्नी की तरफ, जहाँ आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ आप लोग क्रिएट कर सकते हो और आप लोग इंडिपेंडेंट बन सकते हो, मेकअप आप अपने लिए खुद के लिए सीख सकते हो। अगर आप नए हो तो आप पहले वाले सारे वीडियोज़ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरटोन्स के बारे में, कि अंडरटोन होता क्या है और आपको कैसे पहचानना है कि आपका अंडरटोन क्या है, ठीक है। अगर आप एक फाउंडेशन का बेस देना चाहते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कलर करेक्शन किया, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करके कलर करेक्शन किया, अभी फाउंडेशन लगाया हमने। अभी फाउंडेशन लगाने के लिए हमें जरूरी है कि हम अंडरटोन्स को जाने कि अंडरटोन होता क्या है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर आप मेरी स्किन को ऐसे देख रहे हो, अगर मैं किसी की भी स्किन को देख रही हूँ, तो आप लोगों को स्किन में क्या पता चलेगा। एक तो ब्लैक कलर की स्किन होती है, एक मीडियम कलर की स्किन होती है, एक फेयर कलर की स्किन होती है। आप ऐसे देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है, आप देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि ये कलर की स्किन है, और जो है इसकी स्किन के अंदर भी एक कलर होता है। आपको पता है स्किन के अंदर एक कलर होता है जिसको हम बोलते हैं अंडरटोन, यानी इसके अंडर में एक टोन होता है जिसको बोलते हैं अंडरटोन। अगर आपने अंडरटोन पहचान लिया तो आप अच्छे से फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके आप अच्छे से शेड बना सकते हो, ठीक है। अभी अंडरटोन बोलते हैं इसको। तो क्लाइमेट के हिसाब से, अगर आप कभी गर्मी में बाहर चले गए, आपको धूप में कहीं चले गए, या फिर आपके अंदर कुछ ठंडी लग गई आपको, या फिर स्किन आपके क्लाइमेट के हिसाब से आपका स्किन का जो कलर होता है, जो आपका स्किन का ये कलर है, जैसे फेयर हो गया, मीडियम हो गया या फिर डार्क हो गया, आपका ये स्किन का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो अंडरटोन है, स्किन के अंदर वाला जो कलर है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते आप, और ना ही वो चेंज होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडरटोन, ठीक है, उसको अंडरटोन बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग, कलर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी आप कपड़े भी अगर पहनते हो तो थोड़े कपड़े के कलर्स आपने देखे हैं कि आपके ऊपर बहुत जचते हैं, बहुत अच्छे लगते हो आप उस कलर्स में। थोड़े कलर्स के कपड़े ऐसे होते हैं कि आपने पहना तो आप बहुत ज्यादा डल लगते हो उसमें। आपने देखा होगा कभी, आपने कपड़े ऐसे पहने होंगे कलर के जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले होंगे कि वाह यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत फेस पे एकदम ग्लो आ रहा है ये आपको। और आपने मिरर में भी देखा होगा कि मतलब ये कलर तो बहुत जचता है मेरे ऊपर, बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं आज, ठीक है। आप लोगों ने ये फील किया होगा। और कभी कभी आप ऐसे कलर के पहनते हो जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे कि आज तू बहुत ज़्यादा डल लग रही है, फेस तेरा बहुत डल जा रहा है आज, क्या हो गया, तो आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे। कुछ ऐसे कलर्स पहनने पे आपको भी फील हुआ होगा कि मतलब आज मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या फिर आपको कुछ ऐसा होगा। ये सब कुछ आपको कलर थियरी की वजह से होता है, कलर की वजह से होता है कि आपको आप वो कलर कैसे मैच करता है, आपके अंडरटोन से मैच करता है। आपका अंडरटोन आप अगर पहचान लोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा कलर जचता है, कौन सा कलर नहीं जचता है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि अंडरटोन्स में कौन से तीन अलग अलग टाइप्स, तीन किस्म कौन से होते हैं अंडरटोन्स में, ठीक है। ये जानने के लिए सबसे पहला किस्म होता है वार्म, दूसरा टाइप होता है कूल, तीसरा टाइप होता है न्यूट्रल। वार्म यानी जिसको गर्म बोलते हैं हम लोग, हीट, हॉट बोलते हैं जिसको, वार्म बोलते हैं। कूल यानी एकदम शांत, बहुत ज़्यादा एकदम ठंड, ऐसे वाले को कूल बोलते हैं, ठीक है। तीसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रल, जो वार्म भी हो कूल भी हो, दोनों मिक्स हो, ठीक है, इसको बोलते हैं। अभी वार्म कलर कौन सा होता है, वार्म के अंदर आप देखोगे कि स्किन के अंदर का जो कलर होता है वो येल्लो कलर होता है, वो येल्लो कलर होता है। तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि येल्लो कलर का मतलब क्या है, कि आपकी स्किन वार्म अंडरटोन की है। मोस्टली इंडिया में सब लोगों की स्किन आपको वार्म अंडरटोन की ही मिलेगी, ठीक है, मोस्टली मिलेगी, और बहुत सारे थोड़े लोगों की आपको मिलेगी जो वार्म और न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल हैं, जो वार्म और कूल भी हैं, दो भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको वार्म ही मिलेंगे, ठीक है। ये स्किन का अंदर का जो कलर होता है, अगर येल्लो कलर आपको दिख रहा है तो उसके अंदर आपको पहचानना है कि वो वार्म कलर है। दूसरा होता है कूल कलर, कूल कलर के अंदर ये होता है कि बहुत ज्यादा स्किन के अंदर का जो कलर होता है पिंकिश कलर होता है, पीच कलर होता है। वो आपने देखा होगा कि कश्मीर के लोग होते हैं या फिर बहुत ज्यादा एकदम फेयर लोग होते हैं बाहर कंट्री के, तो उन लोगों का देखा होगा कि उनकी स्किन के अंदर एकदम पिंकिशनेस और पीच पीच कलर आता है, तो आपने देखा होगा, तो उनको बोलते हैं कूल अंडरटोन।
तो तीसरा अंडरटोन है न्यूट्रल, जिनकी स्किन आपको देख के लगता है कि अरे यार वो वॉर्म भी है कूल भी है, थोड़ी जगह से दिख रही है कि येलो है, थोड़ी जगह से दिख रही है कि वो एकदम पी वो उसके अंदर वो पीच कलर और पिंकिश कलर भी है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल अंडरटोन। ओके ठीक है, तो अभी हम लोगों को कैसे पहचानना है कि मेरी स्किन कौन से टोन की है। अभी मैंने देख लिया कि स्किन का टोन क्या होता है, तीन कैटेगरीज होते हैं। अभी मुझे पहचानना कैसे कि मेरा स्किन का क्या कलर है। सबसे पहले आपको पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि आप लोग अपने ये रग देखोगे, नस होती है आपकी, ये नस ये वेन्स होती है, ये देखोगे कहीं भी खिड़की में जहाँ से ज़्यादातर अच्छे से वो आपको जो है शेडो आ रही है, बहुत अच्छे से लाइटनिंग आ रही है, आप वहाँ पे जाके खड़े रहोगे, खड़े होके आप देखोगे अपनी ये वेन्स, तो आपको अगर ये आपकी जो रग होती है, नसें होती है, अगर ग्रीन दिख रही है, ग्रीन कलर में है, तो आपको ये पता करना है कि वो वार्म कलर है। अगर आपकी नसें ग्रीन है तो आप वार्म कलर के, वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपकी नसें जो है एकदम ब्लू कलर में दिख रही है तो आप एकदम कूल अंडरटोन में हो। अगर नसें दोनों कलर में मिक्स एंड मैच दिख रही है तो आप न्यूट्रल कलर में हो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है गाइज ये। दूसरा तरीका भी आसानी से मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पेपर लेना है जो एकदम व्हाइट कलर का हो, व्हाइट कलर का पेपर लेना है आपको, और आपको क्या करना है, आपकी स्किन के ऐसे साइड में रख के देखना है आपको। देखो आपकी स्किन के साइड में रख के देखोगे तो आपको एक व्हाइट कलर है और दूसरा कलर आपको फेस पे दिख रहा है, तो आप अच्छे से पता हो जाएगा कि मतलब मेरा अंडरटोन क्या है। अगर मैं इसको ऐसे रख के देख रही हूँ तो इसको और इसको देखो, मैच करके दिखने से आपको येल्लो कलर दिख रहा है, जो येल्लो कलर एकदम से आ रहा है, तो मेरी स्किन क्या हो गई, वार्म अंडरटोन में चली गई। अगर आप ये रख के देखोगे तो आपको पिंकनेस दिख रही है, पीचनेस दिख रही है, तो आपकी स्किन क्या है वो कूल में चली जाएगी। अगर दोनों कलर दिख रहा है तो न्यूट्रल में जाएगी वो। ठीक है, तो आपको ऐसे पता करना है। दूसरा तो ये तरीका हो गया। अभी तीसरा तरीका भी बहुत आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोग को ये तरीका बहुत आसान है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में मोस्टली जो वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे लोग ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड कलर में। क्यों ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी प्रिफर करते हैं लोग, क्यों गोल्ड ही पहनते हैं यहाँ के लोग, क्यों उनके ऊपर गोल्ड ज़्यादा जचती है, इसलिए क्योंकि वो वार्म अंडरटोन के हैं। जो लोग वार्म अंडरटोन के होते हैं उनके ऊपर जो है गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी दिखती है, बहुत जचती है। अगर कोई भी ऐसा कलर है जिनके ऊपर सिल्वर कलर की ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, अगर आप किसी को जो बहुत ज़्यादा फेयर हैं, पिंकिश अंडरटोन दिखते हैं, उनको सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहना तो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखने लगेंगे वो। अगर सिल्वर कलर की ज्वेलरी जिन लोगों के ऊपर अच्छी दिखती है वो लोग कूल अंडरटोन के जाएंगे। अगर ऐसी ज्वेलरी है जो सिल्वर और गोल्ड दोनों किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जचती हैं तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल अंडरटोन वाले होगा। ठीक है, इतना था वार्म और कूल और न्यूट्रल अंडरटोन का। बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपका क्या अंडरटोन है, आपका क्या अंडरटोन है। अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है पता करने में, तो आप लोग जो वीक में एक बार संडे को हम लोग लाइव मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेकअप स्टोरीज वाले सुबिया वाले अकाउंट पे हम लोग लाइव मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारे सवाल के आंसर देती हूँ। बहुत ज़्यादा ईजिली मैं उसको डाउट्स को सॉल्व करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जुड़िए मेरे से और वहाँ पे आप लोग बने रहिए। वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को फाउंडेशन कैसे पिक करना है, कैसे फाउंडेशन के अंदर टोन्स पता करने, कैसे लगाना है फाउंडेशन, आपको सब लोग हम पता करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप जाओगे और आप कोई भी नेट में डाल के देखो कि हुडा ब्यूटी फाउंडेशंस और उसके शेड्स क्या क्या होते हैं आप देखो, तो शेड्स के अंदर आपको अच्छे से पता लगेगा, नीचे लिख के आएगा कि आप ये शेड जो है वार्म कलर का है, कूल कलर का है, न्यूट्रल कलर का है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा। इंडिया के अंदर जो मोस्टली शेड्स मिलते हैं आप लोग देख के लेना है आपको कि आप लोगों को मोस्टली ऐसे शेड्स मिलते हैं डार्क मीडियम और फेयर में कि उसका अंडरटोन येलो ही होता है, फिर भी जो ऑनलाइन परचेज करते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ब्रांड्स में आपको कूल न्यूट्रल और वार्म देख के लेना होता है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे इंडिया में जो भी आपको कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं सारे आपके सारे स्किन येलो वाले ही होते हैं, नहीं, आपको बहुत सारे न्यूट्रल भी मिलते हैं आपको इसके अंदर, आपको थोड़े बहुत जो है आपको इसके अंदर कूल भी मिलते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने पास अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो उस हिसाब से शेड्स चूज करने हैं, जिसकी वजह से आप मिक्स एंड मैक्स मैच करो तो आपको परफेक्ट शेड बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं और जो है HD फाउंडेशंस और नॉर्मल फाउंडेशंस में
क्या डिफरेंस होता है, क्या HD फाउंडेशंस क्या होते हैं, नॉर्मल फाउंडेशंस क्या होते हैं, आपको कैसा कवरेज देते हैं और जो है आपको इसके अंदर क्या डिफरेंस जानना होता है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग अभी 5th डे पे हैं, बहुत लॉन्ग होने वाली है जर्नी। अभी हमारे 16 डेज बाकी हैं। 16 डेज के अंदर बहुत सारे मेकअप लुक्स, बहुत सारी हम लोग चीज़ें सीखेंगे। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और ये नॉलेज दूसरों को शेयर करिए।